हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो ओ लेवल पेपर सोल्यूशन सीरीज में आज हम सॉल्व करेंगे जुलाई 2016 सी प्रोग्रामिंग का पेपर। तो ये हमारे पास पेपर है जो कि ओ लेवल के एग्जाम में 2016 में पूछा गया था, सी प्रोग्रामिंग का पेपर है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम प्रैक्टिकल के साथ बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इस पेपर सॉल्यूशन सीरीज में हम सिर्फ पार्ट वन को डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट टू के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सी प्रोग्रामिंग की वीडियोस देखते रहिए जो कि ओ लेवल सी प्रोग्रामिंग के सिलेबस पे बेस्ड हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो कि है 1.1। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखिए दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए गए। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ ओ लेवल का जो पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। तो यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन लिखा गया और इसी के जस्ट नीचे ये इंग्लिश में लिखा गया है। इसी तरह से जब आप पेपर देने जाएंगे तो सेम पेपर इसी तरह से मिलेगा आपको, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। लेकिन मेरी तरफ से एक छोटा सा सजेशन है, सी प्रोग्रामिंग एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आपको इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं अगर उनको आप हिंदी में पढ़ेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगेगा और कई सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जबकि अगर आप इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इजिली समझ में आएगा। तो स्टार्टिंग से आप कोशिश यही करें कि उसे इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि अगर हम हिंदी की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत ही लिमिटेड ऐसी बुक्स मिलेंगे जो कि सी प्रोग्रामिंग की हिंदी में बुक्स हैं, और जो हिंदी में बुक्स हैं उनमें भी इंग्लिश के वर्ड्स ही यूज़ किए गए हैं। जबकि अगर आप इस पेपर को देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया गया है, इंग्लिश को हिंदी में सिंपली ट्रांसलेट कर दिया गया, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आगे कई सारे क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1.1। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स बिलो फॉर लूप विल बी एक्सक्यूटेड। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा गया है जैसा कि ये है, और पूछा गया है इसमें एक फॉर लूप दिया गया है यहाँ पे देखिए, और ये पूछा गया है ये लूप कितनी बार एक्सक्यूट होगा। तो अगर हम फॉर लूप की बात करें तो इसका सेंटेक्स होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेप होता है जिसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, और इसके बाद यहाँ पे होता है कंडीशन आई लेस देन, जैसे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू समथिंग कुछ भी आप रख सकते हैं, और यहाँ पे आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे तीन स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला होता है इनिशियलाइजेशन, और दूसरा होता है यहाँ पे कंडीशन, और ये तीसरा होता है अपडेशन। यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों हो सकते हैं। तो अब ये लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, ये इनिशियलाइजेशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस जगह पे लिखा है आई इक्वल वन, तो आई इक्वल वन का मतलब है ये आई की वन वैल्यू से स्टार्ट होगा लूप, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 से लेस है, मीन्स आई वन से स्टार्ट होगा और आई 9 तक ये लूप कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में दिया गया है आई लेस देन 10। अब यहाँ पे कंडीशन दी गई जिसकी वजह से लूप स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर हम इससे कंपेयर करते हैं, यहाँ पे जो लूप दिया गया है फॉर लूप, अब इसमें सिंपली क्या कर दिया गया है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे देखिए फॉर इस तरीके से लिखा गया फॉर, और यहाँ पे सेमी कॉलन दो बार यूज किया कर लिया गया है। यहाँ पे ना तो इनिशियलाइजेशन दिया गया है, ना ही कंडीशन दिया गया है, ना ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन ना होने की वजह से ये इनफाइनाइट लूप होगा। तो ये कितने टाइम चलेगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनफाइनाइट टाइम। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें कंटिन्यूअस स्टेप्स को रन कराना होता है तो वहाँ पे हम इस तरीके का फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं, और ये इनफाइनाइट लूप होता है। ओके, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि होगा 1.2। तो यहाँ पे 1.2 ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइए इसको हम हिंदी में ही देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया, इसमें पूछा गया इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आप स्क्रीन पे अच्छे से देखिए, एक यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का एरे लिया गया है str, और इसके अंदर स्मॉलर एक वर्ड असाइन किया गया है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, और एक यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया गया है a, और इसमें 100 असाइन किया गया है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ से कई और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक प्रिंटअप स्टेटमेंट लिया गया है, बेसिकली इसका यूज होता है जो भी हम कंटेंट प्रिंट करना चाहते हैं, स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसमें हम प्रिंटअप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है ए, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, ए ग्रेटर देन 10, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, इसके बाद लिखा गया है यहाँ पे ग्रेटर। ओके, और उसके बाद इसको डबल कोट्स के अंदर रखा गया है ग्रेटर को, और यहाँ पे कॉलन लगा हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर परसेंट एस रखा गया है जो कि स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, और कॉमा एस टी आर लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है,
लेकिन अगर हम इस स्टेप की बात करें जो यहाँ पे लिखा गया है इस जगह पे, तो ये होता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट मैंने अभी प्रीवियस पेपर सॉल्यूशंस में इस तरीके का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, बताया था कि इफ को हम दूसरी किस तरह से लिख सकते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका होता है जिसमें इफ स्टेटमेंट को इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन दी गई, अगर ये कंडीशन मीन्स ए ग्रेटर देन 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम ए की बात करें तो ए में क्या इनिशियलाइज किया गया है 100, तो ए की वैल्यू क्या है 100। अब यहाँ पे कंडीशन दी गई ए ग्रेटर देन 10, मीन्स ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो ग्रेटर लिखा है वो आएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में क्या आता है, ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो आता। तो यहाँ पे सिंपली एक इस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट दे दिया गया, इफ स्टेटमेंट दिया गया जिसको दूसरी तरह से लिखा गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रेटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेटर। ओके, तो आई होप समझ में आ चुका होगा। और इस तरह के काफी ट्रिकी क्वेश्चन भी ओ लेवल के सी प्रोग्रामिंग में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा कई बार कोशिश करें, रीड करें। जब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होता उस टाइम पे उसको आप एक से दो बार रीड करें, तभी समझ में आएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 1.3। अब यहाँ पे दिया गया है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इससे कई सारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है चेक्ड इन स्विच केस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट में इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसा कि लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्विच केस कथन हिसाब से ठीक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेक्ड इन अ स्विच केस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कैरेक्टर लिखा गया है और उसके बाद इंटीजर लिखा गया है, फिर फ्लोट है और फिर इनम है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्विच केस की, तो स्विच केस में आप कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटीजर इस्तेमाल कर सकते हैं, इनम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्लोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मीन्स फ्लोटिंग वैल्यू इस तरह से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, 1.2 या 1.5 या 1.7 या इस तरीके से आप कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू को स्विच केस के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये याद रखिएगा अच्छे से। अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया और इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसके लिए एक अलग से प्रोग्राम लिखा है जिसको हम अभी एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो स्विच केस के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख दिया है और इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। इसको हम करेंगे यहाँ पे पेस्ट। और अब आप इसको एक बार स्विच केस को अच्छे से समझ लीजिए, स्विच केस का जो सेंटेक्स होता है, क्योंकि इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उनमें कई सारी चीज़ें डिस्क्राइब करने के लिए आते हैं, उसमें स्विच केस पे एक बेसिक प्रोग्राम लिख के डिस्क्राइब करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्विच केस क्या है और इसको हम किस तरह से लिखते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो आप इस तरह का कोई भी प्रोग्राम वहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस प्रोग्राम में, यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है। इसमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है ए और इसमें हमने 2 असाइन कर दिया। ये स्टैटिक मैंने वेरिएबल बना दिया, आप चाहे तो ए में यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने स्विच केस का स्टेटमेंट लिखा। स्विच केस का स्टेटमेंट सबसे पहले स्विच से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आपको एक वैल्यू पास करनी होती है, एक वेरिएबल पास करना होता है जिसको हम आगे स्विच केस में कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे मैंने केस 1 बनाया, जैसे कि आप यहाँ पे केस 1 रखा है। अगर यूजर यहाँ पे ए की वैल्यू 1 रखता है तो उस केस में क्या होगा, केस 1 एक्टिव होगा और इस केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। तो इस केस के अंदर स्टेटमेंट क्या है, आप देख सकते हैं ये प्रिंटफ स्टेटमेंट दिया गया है। और जब अगर यूजर 1 देता है तो उस केस में क्या होगा, ये केस हमारा एक्टिव होगा और यहाँ पे लिख के आएगा चॉइस इज 1, ये मैसेज हमें स्क्रीन पे मिल जाएगा। और इन केस अगर यूजर 2 इनपुट करता है, ए की वैल्यू 2 होती है, उस केस में हमारा केस 2 एक्टिव होगा। और केस 2 एक्टिव होता है इट मींस ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और हमें जो आउटपुट मिलेगा होगा चॉइस इज 2। ओके, और इन केस ए की वैल्यू 3 होती है तो हमारा केस 3 एक्टिवेट होगा और यहाँ पे लिख के आएगा चॉइस इज 3। और इन केस अगर यूजर 1, 2, 3 में से कोई दूसरी वैल्यू डाल देता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड या फिर कोई भी नंबर जो कि 4 अप टू कोई भी नंबर हो सकता है जो कि 1, 2, 3 में से नंबर नहीं है, या फिर ऐसी वैल्यू जो 1, 2, 3 में से कोई दूसरी वैल्यू है, तो उस केस में क्या होगा, डिफॉल्ट एक्टिवेट होगा और यहाँ पे लिखेगा चॉइस
अदर देन 1, 2 एंड 3। तो मीन्स आपने जो भी चॉइस सेलेक्ट की है वो 1, 2, 3 में से नहीं है। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इंटीजर इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं तो इसका आउटपुट आपको पता चलेगा क्या आएगा। यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू 2 रखी है, कंपाइल हो चुका है। अब इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लिख के आ रहा है चॉइस इज 2, इस जगह पे लिख के आ रहा है चॉइस इज 2। और अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू को चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, और चेंज करने के बाद इसको हम करते हैं फ्लोट। यहाँ पे जैसे मैंने इंटीजर लिखा है, अब जैसे हम इसको फ्लोट करेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा फ्लोट। अब जैसे ही फ्लोट लिखा, अब दोबारा से इसको हम कंपाइल करेंगे और यहीं पे कंपाइलेशन एरर आ जाएगी। मीन्स यहाँ पे स्विच केस में फ्लोट अलाउड नहीं होता है। ओके, तो यहां से आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्लोट। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है 1.4। यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन लिखा हुआ है, हम यहाँ पे नीचे देखते हैं इंग्लिश वर्जन फॉलो करते हैं इसका। तो यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन कैलॉक एंड मैलॉक, दो अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो आप इन दोनों का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। मैलॉक का फुल फॉर्म होता है मेमोरी एलोकेशन, और कैलॉक की बात करें तो कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस पूछा गया, तो एक सिंपल सा डिफरेंस होता है, अगर हम मैलॉक की बात करें तो ये सिंगल आर्गुमेंट पास करता है, और जबकि कैलॉक की बात करें तो यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन बी में, मैलॉक टेक अ सिंगल आर्गुमेंट व्हाइल कैलॉक नीड टू 2 आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पे अगर हम आर्गुमेंट की बात करें कि ये 2 आर्गुमेंट या 1 आर्गुमेंट होता क्या है, तो मैलॉक में जो एक सिंगल आर्गुमेंट होता है वो होता है नंबर ऑफ बाइट्स। इसको भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि मैलॉक में जो आर्गुमेंट पास होता है उसमें क्या होता है, तो ये होता है नंबर ऑफ बाइट्स। जबकि कैलॉक में 2 आर्गुमेंट पास करने होते हैं, और ये कौन कौन से आर्गुमेंट होते हैं, तो पहला आर्गुमेंट होता है नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ओके, और दूसरा जो आर्गुमेंट होता है वो साइज ऑफ ईच ब्लॉक, मींस जितने ब्लॉक होंगे उनका साइज होता है दूसरे आर्गुमेंट में। तो कैलॉक में 2 आर्गुमेंट होते हैं जबकि मैलॉक में 1 आर्गुमेंट होता है। ओके, तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है 1.5। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है गेट सी एच का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ गेट सी। तो यहाँ पे गेट सी और या गेट सी एच या गेट कैर भी कई जगह पे लिखा होता है। तो गेट सी एक कैरेक्टर फंक्शन होता है जो कि बेसिकली स्टैंडर्ड इनपुट से इनपुट रीड करने के लिए इस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर आपने प्रोग्राम में सी प्रोग्राम में देखा होगा लास्ट में गेट सी एच लिखते हैं। तो कोनियो डॉट एच एक हेडर फाइल है जिसके अंदर गेट सी एच फंक्शन रहता है, और इसको हम प्रोग्राम में हमेशा लास्ट में क्यों लिखते हैं, इसका एक रीजन होता है। कुछ जो हमारे कंपाइलर्स होते हैं, जब आप प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो उसका जो आउटपुट होता है वो तुरंत इमीडिएट हाइड होता हो जाता है, जिसकी वजह से उस आउटपुट को हम देख नहीं पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, लास्ट में गेट सी एच लगा देते हैं। गेट सी एच एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट मीन्स यूजर से एक इनपुट की डिमांड करता है, तो प्रोग्राम वहां पे होल्ड हो जाता है। तो जो हमारी आउटपुट स्क्रीन होती है वो स्क्रीन पे रुकी रहती है, होल्ड रहती है, जब तक हम कीबोर्ड पे कोई भी की हिट नहीं करते हैं या प्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे लास्ट में फंक्शन होता है गेट सी एच, वो यूजर से इनपुट की डिमांड करता है, उस टाइम पे हम अपना आउटपुट देख सकते हैं। जैसे कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करते हैं उसे एक इनपुट मिलता है, और जो हमारी आउटपुट स्क्रीन होती है वो हाइड हो जाती है। इस वजह से हम वहाँ पे गेट सी एच या गेट कैर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है stdin। ओके, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं 1.6 जो कि यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, तो स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अगर हम सिमिलरिटीज की बात करें तो स्ट्रक्चर और यूनियन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर इस डिफरेंस की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द वे मेमोरी इज एलोकेटेड, मीन्स मेमोरी किस तरह से एलोकेट होती है, ये बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस होता है। जो मेमोरी एलोकेशन का जो तरीका होता है वो अलग होता है, जिस तरह से मेमोरी आवंटित की गई है, मीन्स यहाँ पे जैसे ऑप्शन हिंदी में लिखा गया है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में जितने भी आर्गुमेंट डेटा मेंबर्स होते हैं उन सब के लिए अलग अलग लोकेशंस को असाइन किया जाता है। मींस जब उनको कंपाइलर कंपाइल करता है तो उस टाइम पे मेमोरी में उनके जो डेटा एलिमेंट्स होते हैं उनको कहीं भी मेमोरी में स्पेस दे सकता है उनकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। जबकि अगर हम बात करें यूनियन की, तो यहाँ पे जितने भी डेटा मेंबर्स होते हैं उन सब के लिए एक सिंगल ब्लॉक रिजर्व किया जाता है, उसी के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स होंगे अपनी मेमोरी यूज करेंगे, मीन्स अपनी वैल्यूज को स्टोर करेंगे। अब ये शेयर्ड मेमोरी होती है। जबकि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई इंटीजर वेरिएबल है उसके अंदर कोई फ्लोट है कोई कैरेक्टर है, तो इन सभी के लिए इंडिविजुअल ब्लॉक रिजर्व होते हैं और ये मेमोरी में कहीं भी हो सकते हैं। जबकि यूनियन में क्या होता है, एक सिंगल ब्लॉक होता है और ये शेयर्ड ब्लॉक होता है, जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सभी इसी ब्लॉक को यूज करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर और यूनियन में मेमोरी इनिशियलाइजेशन का। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया था क्या डिफरेंस है, तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द वे ऑफ मेमोरी एलोकेटेड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसको आप कहीं पे नोट डाउन करते चलिए इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर। तो अब क्वेश्चन देखेंगे हम अगला, जो कि है 1.7। तो 1.7 है, व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन सी। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पे बेस्ड इससे पहले भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और प्रीवियस पेपर सॉल्यूशंस में कई बार मैं इस तरीके के क्वेश्चंस को पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन दिए गए, हालांकि इसमें छोटी सी मिस्टेक इस क्वेश्चन में दिख रही है। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो सबसे पहले मल्टीप्लाई चलता है, उसके बाद यहाँ पे मॉडुलस चलता है, और अगर यहाँ पे डिवीजन भी ऑप्शंस में दिया गया होता तो सबसे पहले मल्टीप्लाई फिर डिवीजन फिर मॉडुलस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरीके का ऑर्डर होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें तो इनमें से कुछ भी मैच होता हुआ नहीं आ रहा है, और हालांकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो इसी से मिलता जुलता ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन और मॉडुलस दिया गया, जबकि मॉडुलस यहाँ पे होना चाहिए, मल्टीप्लाई के बाद मॉडुलस होना चाहिए फिर सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैच नहीं कर रहा है। इसका राइट आंसर कुछ इसी ऑर्डर में एक ऑप्शन होना चाहिए जिसके हिसाब से यहाँ पे उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जबकि यहाँ पे इस तरह से जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है सी प्रोग्रामिंग में ऑप्शंस में से मैच नहीं हो रहा है। तो कई बार क्वेश्चंस में इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 1.8, और ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है डिसएडवांटेजेस ऑफ अरेंज सी। तो आई होप ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन होगा, आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। सबसे पहले अगर आपको एरे की डेफिनेशन पता है तो इजीली आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। तो अगर हम एरे के डेफिनेशन की बात करें तो एरे होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट। तो मान लीजिए यहाँ पे ए नाम का एक एरे है जो कि इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप की 10 डिफरेंट वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं, तो ये होता है सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। ओके, तो इसका जो मेन ड्रॉबैक होता है वो अगर हम मेन ड्रॉबैक की बात करें तो इसमें अगर किसी एरे में हम वैल्यूज साइन करते हैं या स्टोर करते हैं तो वो सिमिलर टाइप की होनी चाहिए। मीन्स अगर हम इंटीजर टाइप का एरे बनाते हैं तो सिर्फ उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर पाएंगे, उसमें हम फ्लोट कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख सकते हैं ऑप्शन सी, इट कैन स्टोर ओनली वन सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 1.9, और ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा। आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है इनवैलिड नेम ऑफ आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, स्ट्रक्चर नेम, यूनियन नेम, एरे नेम, ये सब क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है वर्ड एडिशन 2, 3 इस तरीके से लिखा गया, फिर यहाँ पे टेस्ट और यहाँ पे माइनस का साइन यूज किया गया है नेम, और यहाँ पे फैक्टोरियल लिखा गया है। तो इनमें से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है,
तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे इनवैलिड कौन सा आइडेंटिफायर होगा, ये होगा ऑप्शन सी टेस्ट नेम। यहाँ पे टेस्ट नेम में बीच में माइनस का साइन यूज किया गया है जो कि एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है सी प्रोग्रामिंग के लिए। तो यहाँ पे ये आइडेंटिफायर्स में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं टेस्ट और अंडरस्कोर यहाँ पे यूज कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नेम, अब ये वैलिड हो जाएगा वैलिड आइडेंटिफायर। लेकिन यहाँ पे माइनस यूज किया गया जिसकी वजह से ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है 1.10। तो 1.10 यहाँ पे पूछा गया है ड्यू टू वेरिएबल स्कोप इन सी। तो अगर हम वेरिएबल की बात करें तो दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल और दूसरा होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का एक छोटा सा एग्जांपल आप देख लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे सम नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, इसका एक रिटर्न टाइप मैंने दे दिया इंट और यहाँ पे लिखते हैं इंट ए और कॉमा इंट बी, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा। और उसके बाद हम इस फंक्शन के डेफिनेशन भी यहाँ पे दे देते हैं। मान लीजिए हमारे पास इंट एक्स नाम का एक वेरिएबल है और इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स इक्वल ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, एक लोकल वेरिएबल जो कि इस सम फंक्शन के अंदर काम करेगा। और जब हम कहीं पे इंट मेन लिखते हैं, इंट और मेन के बाद में जितने भी वेरिएबल्स बनाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, इस तरीके से जो वेरिएबल्स लिखते हैं ये सब क्या होते हैं, ग्लोबल। इनको पूरे प्रोग्राम में आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे एक्स क्या है, एक लोकल वेरिएबल है जिसको सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है जो स्कोप मीन्स इस वेरिएबल को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये होता है स्कोप। तो इसका जो स्कोप है वो विद इन अ फंक्शन है, जबकि मेन मेथड में एबीसीडी जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि ग्लोबल हैं और इसको पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे दिए गए स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे पूरी डिटेल में अगर हम इन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो काफी लंबा वीडियो होगा। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए गए उसके हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, मीन्स इनमें से कोई नहीं। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया एक फंक्शन में बनाया गया वेरिएबल अन्य फंक्शन में उपयोग नहीं किया जा सकता है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। हम दूसरे फंक्शन में भी किया जा सकता है, अब वो डिपेंड करता है किस टाइप का वेरिएबल है। और अगला है एक फंक्शन में बनाया गया वेरिएबल अन्य फंक्शन में उपयोग किया जा सकता है, तो ये भी जरूरी नहीं है कि एक फंक्शन में बनाया गया वेरिएबल को दूसरे में इस्तेमाल किया जा सके। अगर वो ग्लोबल होगा तो इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर वो लोकल वेरिएबल होगा तो उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो तीसरा ऑप्शन देखिए, एक फंक्शन में बनाए गए वेरिएबल केवल मुख्य फंक्शन में ही प्रयोग किया जा सकता है, तो ये भी सही नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे उपरोक्त कोई नहीं, मीन्स नन ऑफ द अबव, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो काफी कंफ्यूज करते हैं, तो इनको आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करें, तभी आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो ये हो गए मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस। और आप देखते हैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन, जैसा कि 2.1। तो यहाँ पे पैरेलल में दिया गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 2.1, फंक्शंस कैन नॉट रिटर्न मोर देन 1 वैल्यू एट अ टाइम। तो क्या फंक्शन, इस क्वेश्चन में पूछा गया है फंक्शन से एक समय में एक से अधिक मान नहीं मिल सकता। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, मींस ये बिल्कुल सही कर रहा है, कोई भी फंक्शन होगा तो एट अ टाइम वो कोई एक वैल्यू रिटर्न करेगा। अब वो किस टाइप के वैल्यू रिटर्न करेगा, डिपेंड करेगा उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या, इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर जो भी उसका रिटर्न टाइप होगा उस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन सिंगल वैल्यू हमें मिलेगी। और अगला क्वेश्चन है फंक्शंस कैन बी कॉल्ड आइदर बाय वैल्यू और रेफरेंस। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको हम प्रीवियस पेपर्स में भी बता चुके हैं, इस तरह के एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो फंक्शंस को हम दो तरह से कॉल कर सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा ट्रू। और अगले क्वेश्चन की बात करें, डज द डेटा टाइप ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनियन विल बी सेम। तो यूनियन में सारे डेटा एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसा हम स्ट्रक्चर में भी कर सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, मींस जो हमारा 2.3 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। तो ये तीनों ट्रू हो गए।
और अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी कैन एलोकेट अ टू डायमेंशनल एरे डायनेमिकली, ये भी बिल्कुल सही है। हम इसको भी जो डायनेमिक एलोकेशन का मेथड होता है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे जो 2D एरे होता है उसकी साइज को डायनेमिकली असाइन कर सकते हैं या इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं डिफाइन, कुछ इस तरह से। मान लीजिए डिफाइन n एक वेरिएबल मैंने बना लिया और यहाँ पे इक्वल नहीं लगाना चाहिए था, गलती से मैंने लिख दिया। यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 100। अब n की वैल्यू को डिफाइन कर दिया 100 से। अब मान लीजिए हम यहाँ पे एक कोई एरे बनाते हैं इंटीजर टाइप का इंट ए, और यहाँ पे ब्रैकेट में हम रख देते हैं ब्लैंक, इस तरीके से n रख देते हैं। तो अब यूजर n की जो भी वैल्यू डालेगा उसके हिसाब से यहाँ पे जो साइज होगा इस एरे का वो फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे जब स्टैटिक एरे बनाते हैं तो उस n की जगह पे हमें कोई पार्टिकुलर नंबर देना होता है, जैसे 100 या जो भी आप साइज देना चाहते हैं वो देते हैं। यहाँ पे मैंने n दे दिया है तो n की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 100। 100 के बीच कोई भी यूजर वैल्यू इनपुट कर सकता है। और इस तरह के प्रोग्राम हम अपने सी प्रोग्रामिंग के वीडियोस में बता चुके हैं, आप उसको एक बार फॉलो करते रहिए, काफी सारी ऐसी चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। ओके, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम 2.4 की बात करें तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। और अगला क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन फ्री इज यूज टू रिलीज डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी बैक टू द हीप ऑफ पॉसिबल रीयूज, तो ये भी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। और अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, इफ पी इज अ पॉइंटर देन द एक्सप्रेशन पी इक्वल पी प्लस वन, ये देखिए इसको अच्छे से देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। एड्स वन टू द वैल्यू ऑफ रिगार्डलेस ऑफ पी टाइप। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है इसको पहले समझ लीजिए। मान लीजिए एक पी पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है कुछ इस तरीके का, और इसमें अगर हम p प्लस वन कर देते हैं तो क्या इसमें स्टोर की गई वैल्यू के साथ में हम एडिशन कर पाएंगे या इसमें स्टोर की गई वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर पाएंगे, ऐसा पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसा कि यहाँ पे हिंदी में नीचे लिखा गया है, अगर आप p सूचक जिसको हम पॉइंटर बोलते हैं तो फिर आप अभिव्यक्त p इक्वल p प्लस वन इसमें p के प्रकार के परे मान में एक जोड़ा जा सकता है। मीन्स इस पॉइंटर p जिस पार्टिकुलर वैल्यू को पॉइंट कर रहा है क्या उस वैल्यू में एक जोड़ा जा सकता है? तो नहीं जोड़ा जा सकता। आपको पता होगा अगर p पॉइंटर टाइप का एक वेरिएबल है और यहाँ पे हम सिंपल p लिखते हैं, अगर आप इन दोनों की वैल्यूज को प्रिंट करते हैं तो आपको डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पे आपको इसमें स्टोर की गई वैल्यू मिलेगी, और अगर आप p प्रिंट करते हैं तो जिस मेमोरी लोकेशन में वैल्यू स्टोर होगी उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आएगा। तो अगर हम कहीं पे p प्लस वन करते हैं तो क्या होगा, एड्रेस ब्लॉक चेंज हो जाएगा। मींस अभी पॉइंटर हमारा इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है जिसका एड्रेस है मान लीजिए 1107, तो अगला ब्लॉक हो जाएगा इस तरीके से 1108। तो जैसे हम p प्लस वन करेंगे अब ये पॉइंटर हमारा इस ब्लॉक को पॉइंट करना शुरू कर देगा और यहाँ पे जो स्टोर्ड वैल्यू होगी उसको पॉइंट करेगा। मान लीजिए यहाँ पे 37 था और अगले ब्लॉक पे 48, तो ये पॉइंटर हमारा यहाँ पे मूव हो जाएगा, ना कि 37 की वैल्यू 38 नहीं होगी। मीन्स इंक्रीमेंट नहीं होगा, सिंपली क्या होगा इसका जो एड्रेस है वो आगे बढ़ जाएगा और ये दूसरे लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आई होप समझ में आ चुका होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। और अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रिंग बिल्बो बिगिंस लिखा गया है यहाँ पे, ये स्ट्रिंग दिखी गई मे बी स्टोर्ड इन एन एरे ऑफ 13 कैरेक्टर। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक और पूछा गया था जो कि प्रीवियस पेपर सॉल्यूशंस में मैंने बताया था प्रैक्टिकल के साथ। तो यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे एक सिंगल स्पेस भी दिया गया है जिसको कैरेक्टर में ही काउंट किया जाता है। तो आप इस पूरे को काउंट कीजिए और यहाँ पे देखिएगा टोटल 13 कैरेक्टर्स आते हैं। एरे यहाँ पे साइज लिया गया 13, तो यहाँ पे क्या होगा जब इस प्रोग्राम को हम लिखेंगे और उसमें हम किसी एरे के अंदर इस स्ट्रिंग को असाइन करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, इनिशियलाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जब भी हम कोई स्ट्रिंग मींस कैरेक्टर टाइप का एरे लेते हैं और उसमें कोई स्ट्रिंग असाइन करते हैं तो हमेशा स्ट्रिंग की लेंथ से एरे का साइज एक ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहां पे हम नल कैरेक्टर को लास्ट में स्टोर करते हैं।
और इसी नल कैरेक्टर के बेसिस पे कंपाइलर को पता चलता है कि स्ट्रिंग का लास्ट कहाँ पे, मीन्स स्ट्रिंग हमारी लास्ट खत्म कहाँ से हो रही है। जब उसे नल कैरेक्टर मिलता है तो कंपाइलर को पता चलता है कि यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम का जो जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीट हो रहा है या खत्म हो रहा है। तो इसी वजह से जब भी हम कैरेक्टर टाइप का कोई एरे लेते हैं और उसमें कोई स्ट्रिंग असाइन करते हैं तो हमेशा उसका साइज स्ट्रिंग के लेंथ से एक ज़्यादा होना चाहिए। जबकि यहाँ पे 13 लिखा गया है और टोटल इसका जो लेंथ है वो भी 13 है। तो यहाँ पे जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो इसका जो प्रॉब्लम आएगी वो होगी कंपाइलेशन एरर। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो अगला क्वेश्चन है 2.8। टाइप डेफ इज यूज टू गिव अ न्यू नेम टू अ नोन डेटा टाइप। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको हम पहले भी प्रीवियस पेपर सॉल्यूशंस में बता चुके हैं। बिल्कुल सही, जो टाइप डेफ एक फंक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है जो नोन डेटा टाइप्स होते हैं उनको नए नाम से डिफाइन करने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2.9। तो 2.9 में पूछा गया है द लाइफ टाइम ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज द ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है उसका जो लाइफ टाइम है वो उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक रहता है। तो ये भी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। ओके, और अगला क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, यहाँ पे इसको हम मार्क कर देते हैं। तो 2.9 का राइट आंसर है ट्रू। और अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आर द थ्री डिक्लेरेशंस। यहाँ पे देखिए तीन अलग अलग तरह के डिक्लेरेशंस दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा गया है कैर और यहाँ पे डबल एस्टिक यूज किया गया है और एप्पल लिखा गया है। तो ये क्या है, डबल पॉइंटर होता है ये। और अगला है कैर और एस्ट्रिक, एक यहाँ पे पॉइंटर टाइप का एरे लिया गया है। और अगले की बात करें तो यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का एक डबल डायमेंशन एरे लिखा गया। तो यहाँ पे पूछा गया ये तीनों सेम है, तो ये सेम नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, ये तीनों अलग अलग तरह के हैं। क्योंकि पहला क्या है, डबल पॉइंटर है, और दूसरा क्या है, पॉइंटर टाइप का एरे है, और तीसरा क्या है, डबल डायमेंशन एरे है। ये तीनों अलग अलग है, उन तीनों का मीनिंग अलग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। ओके, तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है जो कि मैचिंग का है और जिसमें एक्स सेक्शन को हमें वाई से मैच करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सबसे पहले हिंदी में दे दिया गया, उसके जस्ट नीचे आपको इन दोनों क्वेश्चंस के इंग्लिश वर्जन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम इंग्लिश वर्जन को फॉलो कर रहे हैं और आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। नाइलेट की वेबसाइट पे सभी प्रीवियस ओल्ड पेपर्स अवेलेबल हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है ओ लेवल ओल्ड पेपर, आपको नाइलेट की वेबसाइट का लिंक मिलेगा जहां से आप ये सभी पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत सारे वहां पे पेपर्स अपलोडेड हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्स एक सेक्शन दिया गया है और दूसरा सेक्शन है वाई, जिसको हमें एक दूसरे के साथ मैच करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफायर, जैसा कि मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आइडेंटिफायर क्या होता है। तो आप जल्दी से देख सकते हैं, यहाँ पे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो नेम दैट आर गिवेन टू वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट सच एज वेरिएबल्स। तो यहाँ पे 3.1 को हम मैच करेंगे एम से, मीन्स यहाँ पे दिया गया है। ओके, और अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा गया है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। तो अगर हम इसकी बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ मैच कर सकते हैं, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट क्या होता है, एनी नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स इनक्लोज इन डबल कोटेशन मार्क। मीन्स अगर कोई स्ट्रिंग आप लिखते हो उसको डबल कोट्स के अंदर कर देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है अलाउज, अगर हम इसको डबल कोट्स मीन डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे तो ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसके साथ हम मैच करेंगे के के साथ। तो यहाँ पे के में लिखा गया है एनी नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स इनक्लोज इन डबल कोटेशन मार्क। और अगला क्वेश्चन है गेट कैर, इसके बारे में अभी काफी लंबा चौड़ा मैंने लेक्चर दिया है तो आई होप आपको याद होगा। तो इसको किसके साथ मैच करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंटर अ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे देखिए जी में दिया गया है तो इसको हम जी के साथ मैच कर देंगे। और अगला क्वेश्चन है रैंड, रैंड एक फंक्शन होता है सी में जिसको हम रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको मैच करने की बात करें तो यहाँ पे देखिए रिटर्न अ रैंडम
पोजिशन पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है, रिटर्न अ रैंडम पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करने के लिए रैंड फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हम जे के साथ मैच कर देंगे। और अगला है पुट कैर, जैसे गेट कैर होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए, कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए, उसी तरीके से पुट कैर होता है कैरेक्टर आउटपुट देने के लिए, जो आउटपुट कंसोल यूनिट होता है वहां पे आउटपुट को सेंड करने के लिए इस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3.5 को हम मैच करेंगे रिटर्न आ, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है सेंड अ कैरेक्टर टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, यहाँ पे एल देख सकते हैं आप, तो इसको हम एल के साथ में मैच करेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए ब्रेक, तो ये काफी यूज होने वाला एक स्टेटमेंट है जिसको हम लूप के साथ में इस्तेमाल करते हैं, स्विच के साथ में स्विच को एग्जिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या लूप को टर्मिनेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला स्टेटमेंट लिखा है ए, यूज टू टर्मिनेट लूप और टू एग्जिट फ्रॉम स्विच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। और अगला क्वेश्चन देखिए कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू को हम कहाँ पे यूज करते हैं, कॉन्टिन्यू जैसे हमें कोई स्टेटमेंट है उस पार्टिकुलर स्टेप पे हमें बार बार चलाना है या वापस कर लूप के अंदर उसे चलाना है, तो यहाँ पे हम कॉन्टिन्यू का इस्तेमाल करते हैं। इसको भी मैं कई बार बता चुका हूँ, और अगर आपने हमारे सी प्रोग्रामिंग की वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पे ब्रेक गो टू कॉन्टिन्यू से रिलेटेड कई सारे एग्जांपल्स मैंने प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लेन किए, तो आप उस सीरीज को जरूर फॉलो करिए, वहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ में आएंगी। ओके, तो अगर हम इसको मैच करने की बात करें तो इसको हम मैच करेंगे ऑप्शन बी के साथ में, यूज टू बाईपास द रिमाइंडर ऑफ द करेंट पास थ्रू अ लूप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी। और अगला देखिए ऑटोमेटिक वेरिएबल, तो ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या होता है, जैसे स्टैटिक ऑटोमेटिक ये वेरिएबल्स के टाइप होते हैं, तो अगर हम कहीं किसी फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिक वेरिएबल बनाते हैं तो एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसका स्कोप सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर होता है, मीन्स उस वेरिएबल को जो ऑटोमेटिक टाइप का होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है जो आप जब आप किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो ऑटोमेटिक टाइप का होता है, तो वहां पे सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर ही उस वेरिएबल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक लोकल वेरिएबल की तरह से काम करता है। तो अगर हम इसको मैच करने की बात करें तो यहाँ पे ई के साथ में इसको मैच करेंगे, यहाँ पे लिखा है डज नॉट रिटर्न इट्स वैल्यू वंस कंट्रोल इज ट्रांसफर आउट ऑफ इट्स डिफाइनिंग फंक्शन, मीन्स इसकी वैल्यू जो कि हमारा एक ऑटोमेटिक वेरिएबल है उसकी वैल्यू सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर रहती है, अगर कंट्रोल हमारा उस फंक्शन से बाहर जाता है तो उस वैल्यू को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे किसके साथ मैच करेंगे, ई के साथ मैच कर देंगे इसको। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे इंट पी कैर, यहाँ पे कैरेक्टर टाइप पॉइंटर टाइप का एक एरे लिया गया जो कि कैरेक्टर टाइप का है, तो यहाँ पे पी क्या एक फंक्शन है, तो अगर हम इसको मैच करने की बात करें तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप सी देख सकते हैं, लिखा गया है एक्सेप्ट एन आर्गुमेंट विच इज एन एरे ऑफ पॉइंटर्स टू कैरेक्टर्स, तो एक क्या है कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर एरे है जो कि एक आर्गुमेंट है, तो इसको हम मैच करेंगे सी के साथ में, तो यहाँ पे लिखेंगे सी। और अगला क्वेश्चन देखिए टाइप डेफ, ये काफ़ी कॉमन है, इसके बारे में आप अच्छे से देख लीजिए, इसको हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जो नोन डेटा टाइप्स होते हैं उनको नए नाम से बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इसको मैच करने की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं अलाउ यूजर्स टू डिफाइन न्यू डेटा टाइप्स दैट आर इक्विवेलेंट टू एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स, ओके, तो यहाँ पे इसको एफ के साथ में मैच करेंगे, तो ये हो गया मैचिंग। ओके, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहाँ पे ऑप्शंस पहले से दिए रहते हैं और इन्हीं में से हमें ऑप्शंस चूज करने होते हैं, सेलेक्ट करने होते हैं। तो अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, इज अ वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, तो ये क्या होता है पॉइंटर, पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी, इस जगह पे आएगा सी। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है अ ग्लोबल वेरिएबल इज ऑल्सो नोन एज, जिसको हम एक्सटर्नल वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे देखिए डी दिया गया है एक्सटर्नल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी। और अगला क्वेश्चन देखिए 4.3,
तो अगर हम 4.3 की बात करें, एक्सेप्ट एन आर्गुमेंट विच इज एन एरे ऑफ पॉइंटर्स टू कैरेक्टर्स एंड रिटर्न अ पॉइंटर टू एन इंटीजर क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको मैच करने की बात करें यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है जो कि इंटीजर टाइप का एक फंक्शन है जिसमें कैरेक्टर टाइप पॉइंटर टाइप का एक एरे लिया गया है। तो इस यहाँ पे क्या जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ए फिल किया जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए जो कि है 4.4। अब 4.4 में पूछा गया है द आर्गुमेंट लिस्ट ऑफ फंक्शन इन नोन एज फंक्शंस। तो अगर हम इसको फिल करने की बात करें तो किसके साथ फिल करेंगे, जो फंक्शन के आर्गुमेंट होते हैं उसको हम पैरामीटर्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पैरामीटर्स, तो ये हो जाएगा जे, यहाँ पे जे आएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए 4.5। तो 4.5 में लिखा गया है सी प्रोवाइड द फंक्शंस टू कंपेयर स्ट्रिंग। तो सी में कौन सा ऐसा फंक्शन है जो जिसको स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं strcmp, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एल में दिया गया है, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, एल। और अगला क्वेश्चन देखिए कन्वर्ट अ कैरेक्टर स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ वाइट स्पेस साइन इन डिजिट टू एन इंट वैल्यू मीन्स इंटीजर वैल्यू, तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम देखें इनमें इन ऑप्शंस में से क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पे हमें फिल करना है एट आईओ, एक फंक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई। ओके, इसको अच्छे से कहीं पे नोट डाउन करते रहिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए इन कंपाइलर एरर मैसेज मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आर्गुमेंट ऑपरेटर इज मिसिंग। तो यहाँ पे ये एरर कब आती है, जब लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आर्गुमेंट ऑपरेटर मिसिंग होता है, तो कौन से एरर मैसेज आता है, तो उसको बोलते हैं एल वैल्यू। तो यहाँ पे आएगा एफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है एल वैल्यू। और इसी तरीके से आर वैल्यू भी एक एरर होता है, और इन दोनों का आप एग्जाम्पल भी देख लीजिए। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, तो आप लोग चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो आप L वैल्यू और R वैल्यू एरर में क्या डिफरेंस होता है उसको भी आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है A इक्वल 9। ओके, ये सिंपल सा एक एग्जांपल है। सबसे पहले हम L वैल्यू को देखते हैं, तो अगर हम इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं 9 इक्वल A, यहाँ पे अगर हम कैपिटल A बना देते हैं इस तरीके से, अब आप देख सकते हैं ए को 9 में आप असाइन नहीं कर सकते हैं, जबकि अगर हम लिखते हैं ए इक्वल 9 तो यहाँ पे 9 को ए में असाइन किया जा सकता है, जबकि 9 में ए को असाइन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे किस तरीके की एरर मैसेज आएगा, एल वैल्यू। ओके, एक ये एग्जांपल हो गया एल वैल्यू का। अब आर वैल्यू का एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास इंटीजर ए इक्वल 1, B नाम का एक वेरिएबल है, इस तरीके से हमने डिक्लेयर कर दिया, और अगली स्टेटमेंट में हम लिखते हैं a प्लस 1 इक्वल बी। अब ये हमारा r वैल्यू हो जाएगा एरर। रीजन क्या है, यहाँ पे देखिए b में कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे हम पास कर रहे हैं a प्लस 1 जिसको b में पास किया जा रहा है, क्योंकि गलत है। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं b इक्वल a प्लस 1 तो ये करेक्ट था, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं होती। जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो ये होता है आर वैल्यू एरर, मींस लेफ्ट हैंड साइड में जो आर्गुमेंट है उसमें जो पास की जा रही वैल्यू वो गलत तरीके से असाइन की गई है। ओके, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आई होप समझ में आ चुका होगा यहाँ पे क्या फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4.7 में हम क्या फिल करेंगे, एफ, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 4.8 इज लॉजिकल एंड ऑपरेटर एंड आउटपुट ऑफ एंड ऑपरेशन इज ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आप सभी को पता होगा कि एंड अगर हम कहीं पे लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो कब ट्रू होता है कब फॉल्स होता है। जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो वो ट्रू होता है, और दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा, या ही दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं तब भी फॉल्स होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में ये ट्रू होता है, जब बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, इसकी मेन डेफिनेशन होते हैं।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है सी प्रोग्रामिंग में। तो एंड ऑपरेटर को हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे देखिए डबल एंड साइन इस्तेमाल करते हैं एंड ऑपरेटर के लिए। और अगला क्वेश्चन है 4.9, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। और अगर हम 4.9 की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सेट ऑफ पोजीशन टू अ डिजायर्ड पॉइंट इन अ फाइल। तो अगर आप किसी फाइल में एक पोजीशन सेट करना चाहते हैं, कोई डिजायर या स्पेसिफिक पोजीशन सेट करना चाहते हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, कई अलग अलग तरह से पूछा जाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे फिल आउट करेंगे fseek। fseek एक फंक्शन होता है जो कि किसी फाइल में पर्टिकुलर पोजीशन को पॉइंट करने के लिए इस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 4.10, कंटेन्स मेंबर्स हुज इंडिविजुअल डेटा टाइप्स में डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? तो हम डिफरेंट डेटा टाइप या डिफरेंट डेटा मेंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, या तो यूनियन में या फिर स्ट्रक्चर्स में। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए सिर्फ यूनियन दिया गया है, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे? बी, यहाँ पे आ जाएगा बी यूनियन, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं इससे काफी कुछ नया समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग के पेपर सॉल्यूशंस चाहते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इन वीडियोस को अपने सोशल मीडिया नेटवर्क व्हाट्सएप फेसबुक इन सभी पे शेयर करते रहिए, ताकि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और उन सभी के मैं हेल्प कर पाऊँ। अगर आप इससे रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं किस तरह से हम इस सीरीज को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ओके, अगर आपका वैल्यूबल सजेशन होगा तो मैं अपनी वीडियोस में उसे जरूर फॉलो करूंगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन करें ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले पेपर सॉल्यूशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।